First of all, respected chief guest, honorable principal, director, parents, and my dear teachers, and my lovely looking, charming, beautiful, outstanding looking my dear students. Today, we are celebrating Independence Day. As we all know, before 1947, we were under the British rule. हम लोग ब्रिटिश शासन अंग्रेजों के गुलाम में रहा करते थे, हुआ करते थे। लेकिन हमारे कुछ फेमस फ्रीडम फाइटर्स की वजह से आज हम यहाँ उपस्थित हैं, वो भी आजाद, फ्री। As we all know, we were not allowed to go anywhere as we want. पहले अभी जो हम लोग खुले आम घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना कमा रहे, खा रहे हैं, समझिए किसको, उससे पहले हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों का बस चलता तो आपको यहां से कहीं उठा के ले जाते और वहां आपको काम करना पड़ता। लेकिन आज हमारे देश के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे नेता हैं फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लिए अपना जान कुर्बान किए। अब सभी को पता होगा हमारा देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम में रहा। और आज हम कितने, हमें इतना खुशी हो रही है कि हमारे पूर्वज, आर फोर फादर्स, आर एंसेस्टर्स हैव फॉट फॉर अस एंड दे हैव गिवन अस फ्रीडम, फ्री टू लिव। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं थी, आजादी के बाद हमें वो सभी चीजें मिली थी। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, इन्हें चिन्ह लोग पढ़ते थे जो कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स के लोग हुआ करते थे, उनके लिए जो काम करते थे। बाकी लोगों को क्या किया जाता था, लेबर काम कराया जाता था। नाउ आज हम देखें तो हर एक बच्चा, हर स्टूडेंट, हर एक सिटीजन, सबको पढ़ने का अधिकार है। मैं पढ़ाई की ओर क्यों चला गया, हम अपना देश को पढ़ाई के बदौलत, स्टडी के बदल सकते हैं। हम हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक लोगों का मानसिक पढ़ाकर ही उनको, उनका मानसिक विकसित या विकसित कर सकते हैं। हमें यहां पर मैं एड्रेस करना चाहूंगा पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स, स्टाफ को एंड मेरे सभी प्यारे बच्चों को। हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग इतना ज्यादा मिले हैं आज, और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यही चीज आपको और हमको कंटिन्यू करना है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों से, यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स से, कि आप इसमें देखिए आपको बुरा लग सकता है, आप जो खरीदते हैं आई रिस्पेक्ट दैट, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन आप कभी वो झंडा खरीदिए, वो फ्लैग खरीदिए जब आपके पास उसको रखने की क्षमता हो।
अगर हम झंडा आज खरीदे कल को रोड में फेंक दिए, हम तो इस झंडा का सम्मान नहीं कर रहे। आप इसका सम्मान करिए, झंडा का सम्मान कीजिए। आप और हम सभी इन झंडों का